हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे साथ कैंडिडेट जुड़ गए हैं, इनका आज फिजिकल था। आइए इनसे जानने के लिए कोशिश करें कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं। आज का जो रैली भर्ती था, ये आज अरवल डिस्ट्रिक्ट और कौन डिस्ट्रिक्ट का था? रोहतास। अरवल और रोहतास डिस्ट्रिक्ट का था। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए कोशिश करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है आज का जो रैली भर्ती में। तो पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल, आप रोहतास से हैं ना? नहीं, अरवल से। अरवल से हैं। तो पहले सबसे पहले बताइए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे तक था? 2:30 बजे था। 2:30 बजे जी। तो 2:30 बजे आए, तो उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस हुआ, थोड़ा डिस्कस करिए। पहले तो रफ हाइट हुआ। हाँ। इसके बाद में बैच मराया और बनाया गया। हाँ। जिस बैच में 350 लड़का एक हर एक बैच था, जिसमें बारी बारी से सभी बैच को दौड़ाया गया। लड़का तो ऐसे बहुत ले रहा है, एक्सीलेंट भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, गुड भी लड़का। आपका दौड़ में कौन सा पोजीशन? एक्सीलेंट है मेरा। अच्छा, आप एक्सीलेंट में आए थे। हाँ, देख सकते हैं जो हैं एक्सीलेंट बंदे हैं। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में रफ डॉक्यूमेंट जैसे चेक हुआ। हाँ। जैसे किसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे मार्कशीट। अच्छा। हो गया। हाँ। एफिडेविट के लेके बहुत लड़का लोग को छाटा जा रहा है। हाँ। एफिडेविट ऐसे 4 पन्ना का होना चाहिए, जिसका 3 पन्ना वो भी चलेगा, और एफिडेविट कंप्यूटराइज भरना होना चाहिए। हाँ, कंप्यूटराइज होना चाहिए, बट हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। हाथ से भी लिखा हुआ चलेगा, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसको भर देना है। अच्छा। और भरने के बाद चेक कराने हैं, और उसके बाद में 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद में कुछ पटरा। अच्छा, जो लॉन्ग जंप है, बीम, ये सब आपका मतलब रनिंग के बाद होता है कि पहले हो जाता? नहीं, है रनिंग के बाद होता है। अच्छा, आपका भी छट गए क्या? आप भी आइए ना साथ। रनिंग के बाद होता है। अच्छा। हाँ, चेस्ट में छट गए। चेस्ट में। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस हुआ? उसके बाद में वही लॉन्ग जंप हुआ। अच्छा। फिर कुछ हाइट पर चलाया गया। हाँ। उसके बाद में 10-10 बीम लिया गया। हाँ, 10-10 बीम। हाँ। उसके बाद में रीहाइट लिया गया। रीहाइट लिया गया। हाँ, जिसमें हम छट गए हैं। अच्छा, रीहाइट में छट गए। हाँ, रीहाइट लेने के बाद। हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गया गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट खोज रहा है? जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खोज रहा है एफिडेविट खोज रहा है। एफिडेविट 4600 होता है। सो SP। अच्छा, उस पे कितना का पैसा खो रहा है, जो फिट में जो पैसा भी चलेगा? 10 का भी 50 का भी। अच्छा, कितना का भी चलेगा? और SP का करेक्टर खोज रहा है। हाँ। और सरपंच का भी करेक्टर, दोनों का जरूरी होना चाहिए। अच्छा, खोज रहा है मार्कशीट खोज रहा है। हाँ। ओरिजिनल खोज रहा है। हाँ। यही सब, यानी कि करेक्टर जो बनाना है SP और सरपंच को, दोनों से बनाना है ना। और उसके बाद फिर, अच्छा, आपके बैच में कितना मतलब कैंडिडेट थे जो दौड़े थे तब? दौड़े थे 350। 350 में कितना का सिलेक्शन हुआ था? 350 में लगभग 100 से पारे था। 100 से पारे। अच्छा, 100 से पार, यानी कि 350 में 110 बंदे का सिलेक्शन हो जा रहा है ना। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स में कितना बंदा छट गए? डॉक्यूमेंट्स में छटा 20 बंदा। 20 बंदा। हाँ। यानी कि रेशियो थोड़ा अब कम रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रेशियो था। मैं कल भी रिपोर्टिंग किया था, तो उस टाइम 80% बंदे डॉक्यूमेंट्स में छट जा रहे थे। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। आप थोड़ा बताइए ना। हाँ सर, आप बताइए कहाँ से आप हैं? रोहतास जिला सर। रोहतास जिला। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे था? 2:30 बजे। 2:30 बजे। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर, पहले ग्राउंड में घुसे। हाँ। और ग्राउंड में घुसने के बाद एडमिट कार्ड दिखाए। हाँ। और दिखाने के बाद फिर भी रनिंग कराया। हाँ। रनिंग कराने के बाद फिर गड्ढा फनवाया। और गड्ढा फनवाने के बाद बीम मरवाया। अच्छा, बीम मरवाया। आपके बैच में कितने बंदे दौड़े थे? हमारे बैच में 300 बंदे दौड़े थे। 300 बंदे में कितना का सिलेक्शन हुआ था? 84 का सिलेक्शन हुआ। अच्छा, कौन सा बैच नंबर था आपका? 73। आपका कौन सा, एक्सेलेंट या गुड आए थे आप? गुड आए थे। तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस हुआ आपके साथ? प्रोसेस हुआ कि सर, वहाँ पर गए ना, तो पहले हाइट नपा। हाँ। हाइट के बाद वेट। हाँ। तो वेट हो गया, चेस्ट में छट गए हम। अच्छा, चेस्ट में छट गए। तो ये बताइए कि सर, एक्चुअली चेस्ट कितना खोज रहा था?
चेस्ट खुज रहा था 80 से 85 तो अच्छा 70 से 80 82 हो रहा था 3 सेंटीमीटर नहीं खुला। अच्छा तो उसके बाद फुलाने के बाद कितना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अच्छा 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए है ना। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट थोड़ा स्टेप बढ़ा लीजिएगा जो आप छठे हैं चेस्ट में। तो उसके बाद फिर और क्या प्रोसेस हुआ था आपके साथ? अब क्या यहाँ से आ गए, फिर वहाँ से बोला कि चले जाइए, चले जाइए है ना। डॉक्यूमेंट्स भी चेक हुआ था क्या आपका? डॉक्यूमेंट सब सही था मेरा। अच्छा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मतलब आपका डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट था? सब था। थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में ये बताइए कि आप 10th लेवल पे अप्लाई किए थे या फिर 10 दोनों डाले थे क्लर्क और ये दोनों? नहीं 10th और 11th 10 प्लस 2 दोनों डाले थे। तो डॉक्यूमेंट्स में जिक्र करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में SLC और CLC दोनों खोज रहा है, खोज रहा है। तो और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या खोज रहे हैं? प्रोविजनल खोज रहा था। अच्छा मार्कशीट मैट्रिक का और विवाहित फॉर्म सरपंच का और SP कोटा का दोनों ही करेक्टर मांगता था और एक चरित्र प्रमाण पत्र। अच्छा जाति भी देखता था और निवास भी। ये भी खोज रहा होगा जो जिनका मतलब मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट शादी ब्याह वाला सरपंच से है ना? सरपंच से दोनों चाहिए। अच्छा दोनों चाहिए पढ़ा हुआ अलग से दोनों। और एफिडेविट जो खोज रहा कितना मतलब वो जो फॉर्म है कितना पेज का फॉर्म है एफिडेविट? तीन पेज का खोज रहा है ना। तो उसमें ये बताइए कि जैसे कोई बंदा हाथ से लिख के लेके चल गया है ठीक है, तो हाथ से लिखने वाला आज अलाउ किया था? हाँ आज अलाउ किया था। अच्छा कल तो नहीं किया था, कंप्यूटराइज खोज रहा था। हाँ अलाउ किया था। हाँ आज अलाउ कर दिया है हाथ से लिखा हुआ, बट कल जो परसों भी नहीं किया था कंप्यूटराइज खोज रहा था। तो ठीक है, तो और बताइए फिर उसके बाद फिर मेडिकल का डेट कब दे रहा था जो बंदा का सिलेक्शन हो जा रहा था? अब देखिए कल देगा। अच्छा मतलब 1 से 2 दिन के बाद? हाँ 1 या 2 दिन के बाद देगा। अच्छा अच्छा परसों जी। हाँ परसों ठीक है ओके बहुत अच्छा। आप लोग मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग रिजेक्ट किया लेकिन नेक्स्ट जो रैली वाली होगा उसमें आप चेस्ट में छठे हैं, चेस्ट थोड़ा बनाइए ठीक है ना। ओके बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ एक बार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आइए रैली भर्ती में, क्योंकि जो यहाँ पे कैंडिडेट को बहुत जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे छट जा रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा के लिए अगर आप लोग छट जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एक बार आप लोग एफिडेविट जरूर बना लीजिए, 3 पेज का जो फॉर्मेट होता है उस पे स्टिकर जरूरी है जिसको टिकट बोलते हैं वो उस पे चिपका दीजिए, और जो अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट है वो बना लीजिए सरपंच के द्वारा, करेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए सरपंच और SP के द्वारा, ये नीड बहुत ज़रूरी है। SLC CLC दोनों ज़रूरी है और एक आधार कार्ड ज़रूरी है। अच्छा एक मिनट, पैन कार्ड खोज रहा अभी तक नहीं ना? पैन कार्ड खोज रहा था लेकिन जिसके पास मतलब हाँ मतलब आधार कार्ड से चल जा रहा था। पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो लेके चल जाइए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो सब लेके जाइए, जो ज़रूरी होगा आप लोग वहाँ पे रख लेगा, जो नहीं ज़रूरी होगा आपको दे देगा ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोग छड़ जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।